हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं क्या? हम आज देसी घी बना रहे हैं बटर से। बटर घर का तो नहीं है, मार्केट से खरीदा हुआ है, लेकिन किसी अच्छी उस ब्रांड का जो अच्छा मक्खन हो ना, वो मक्खन है। अब इसको मैं गरम करूँगी। कितना मक्खन है ये? 5 किलो मक्खन है। 5 किलो, हाँ। इसको मैं गरम करूँगी, लेकिन इसका गरम करने का और घी बनाने का तरीका है खास लेवल का कि इसको गरम करते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल इसको जला दें तो घी का जायका ख़राब हो जाएगा। जब ये सारा मेल्ट हो जाएगा तो इसके नीचे थोड़ा सा लस्सी टाइप दाने दाने से वो होने लगे। जब वो हल्की गोल्डन हो तो आप चूल्हा बंद कर दें और ढक्कन रख दें। उसमें आप देखेंगे तो वो अच्छी, जब गोल्डन हो गई है, वो नीचे बैठ गई है, उसके बाद घी आपका तैयार होगा, खुशबू आने लग जाएगी। फिर आप उसको छान के जिस डब्बे में आपने प्रिजर्व करना है उसमें डाल के रख दें और इस्तेमाल करें। ये भी हम सारा कुछ जब साथ आप ओवर कुक करेंगे तो ये इतना हार्ड हो जाएगा कि ये चर्बी की तरह बन जाएगा, फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। ये भी नीचे बटर ही मेल्ट हुआ है सारा? ये सारा बटर है, सारा बटर है। आपने खाली पतीले में कितनी आंच पे? नॉर्मल मीडियम आंच रखें, हल्की आंच, क्योंकि तेज आंच रखेंगे तो ये बॉयल होकर ऊपर उठता है और फिर गिरने लगता है, इसलिए मैंने इसे खुले बर्तन में रखा हुआ है। तो 5 किलो, लेकिन मैं खड़ी इसके साथ रहूंगी। Okay. जब तक ये बनेगा जी, मैं इसके साथ रहूंगी। चलिए अभी हम थोड़ी देर में फिर देखते हैं जब ये मेल्ट होता है। हाँ जी, मेल्ट हो गया है सारा बटर। बटर सारा मेल्ट हो गया, लेकिन जब ये अब बिल्कुल ऐसे थिक हो गया, बिल्कुल ये आहिस्ता आहिस्ता वो जो इसके अंदर लस्सी है ना, वो नीचे बैठना शुरू करेगी। जब हम देखेंगे ना लस्सी अब नीचे बैठ रही है, तो एक जो गेहूँ का आटा है ना, चावल खाने वाला चम्मच, एक हम इसके अंदर डाल दें। किस चीज़ का आटा? गेहूँ का आटा, गंदम का आटा, जिसकी नॉर्मल हम रोटी जो, हाँ, जिसकी हम रोटी बनाते हैं ना, वो एक चम्मच इसमें डाल देंगे। ये मैं आज जो है ना, मेरा बटर जो है वो सॉल्टेड है तो उसका बना रही हूँ, तो उसमें वो डालते हैं ना तो वो थोड़ी घी की खुशबू जो है ना वो फिर और अच्छी हो जाए। अनसॉल्टेड में भी डलेगा वो? अनसॉल्टेड में डाल के हलवा बनाऊंगी, ये साल्टेड में, क्योंकि साल्टेड का एंड जब वो होता है तो बहुत ही साल्टी होता है, तो उसमें हलवा नहीं बनता। अनसॉल्टेड बटर जब हम बनाएंगे उसका घी, तो उसका जो एंड वाला होगा उसमें मैं हलवा बनाऊंगी। सूजी डालें या आटा डालें, गुड़ डालें या चीनी? अच्छा, मतलब ये जो आप अनसॉल्टेड का बनाएंगे उसमें आटे के बजाय आप सूजी डालेंगे और सूजी का फिर उसका हलवा तैयार होगा। सूजी आप बच्चे कहेंगे चीनी का बनाओ तो मैं चीनी साथ डालूंगी, आप कहेंगे गुड़ डाल के हलवा बनाए तो गुड़ डाल के, वो बहुत टेस्टी बनता है। ये अब हम हिलाते रहेंगे इसे? हिलाते रहेंगे क्योंकि एकदम ना ये बॉयल होके फिर ऊपर आ जाएगा। ये अभी गाढ़ा है, ये आहिस्ता आहिस्ता पतला होना शुरू होगा, घी ऊपर आता जाएगा और लस्सी जो इसमें थोड़ी बहुत है वो नीचे बैठती जाएगी। अब इसको देख के ना ये नहीं समझना कि हाय मक्खन तो खराब हो गया, सारा झाग झाग हो गया, घी कब बनेगा। ये इसका एक स्टेप है कि जब मेल्ट हो जाता है मक्खन तो वो इस तरह होता है, लेकिन इस पीरियड में ना आंच थोड़ी कम रखनी होती है, क्योंकि जब दम ये बॉयल होकर बाहर निकल आता है, गिर जाता है और बहुत सारा ज़ाया हो जाता है, इसलिए हल्की आंच पे इसको हिलाते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता घी ऊपर आ जाएगा और ये झाग सारी ख़त्म हो जाएगी। चाहिए आपको आटा? देखें ये घी ऊपर आता जा रहा है और इसकी लस्सी नीचे जाती जा रही है। बहुत थोड़ी सी निकलती है, इतना ज्यादा नहीं निकलता इसका। ये जो है ना, अब ये जिस स्टेज पे है ना, घी को जब हम छोड़ बंद करते हैं ना, ये काफ़ी देर वो होता रहता है। अब ये अभी मेरी ये लस्सी आप देखें नीचे अभी वाइट पड़ी है, इसको थोड़ा सा मैं वो करके ना तो फिर चूल्हा बंद कर दूँगी, फिर मैं थोड़ी देर के बाद देखूँगी आके कि वो किस उसमें हुई है, ब्राउन हो गई है या नहीं।
अगर नहीं हुई होगी ना तो फिर मैं थोड़ी देर इसके नीचे चूल्हा जलाऊंगी और इसको थोड़ा सा और कुक करूंगी, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल इसे थोड़ा सा तेज़ ब्राउन करके छोड़ूंगी तो ये मज़ीद डार्क हो जाएगा और फिर मेरे घी का जायका उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब इसके ये पार्टिकल्स नीचे, ये जो लस्सी बैठ रही है ना, ये इसके जरिए ये जैसे सफ़ेद सफ़ेद ये सारे, ये सारा नीचे बैठेगा और ये सारा ब्राउन हो जाएगा। कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया। इस स्टेज पे चूल्हा मैं बंद करूंगी ना, ये अब हल्का सा ये नीचे से उसकी लस्सी हल्का सा येलोइश ये हो रहा है ना, ये कलर सही नजर ना आ रहा हो तो ये बेसिकली गोल्डन नहीं है लेकिन हल्का सा जी ब्राउन सा जैसे होता है ना सूजी भूनते हैं या आटा भूनते हैं वो होने लगे। अब ये क्योंकि ये बहुत देर तक ये खोलता रहता है ना तो ये पड़ा पड़ा इस पतीले में ना जो नीचे वो है वो सारा थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो फिर चूल्हा बंद कर, चूल्हा बंद कर दिया ना, इसको मैं हिलाती रहूंगी क्योंकि ये उबलता रहेगा ना। फिर थोड़ी देर के बाद मैं आके देखूंगी ये झाग भी बैठ जाएगी, घी मेरा ऊपर होगा और वो लस्सी जो है वो नीचे। ये अब मेरे ख्याल में 5-7 मिनट तो हो गए हैं चूल्हा बंद हुए हुए, लेकिन अभी भी ये हल्का हल्का ये देखे ना उबल सा रहा है। हाँ ये। और ये अब नीचे से ब्राउन भी होना शुरू हो गया, ये पहले से ज्यादा हो गया ना, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा और करना। ये देखे ये अभी भी उबल रहा है बंद चूल्हे के साथ, क्योंकि अपनी हीट इसकी। तो इसको बस हम इस तरह छोड़ भी सकते हैं या हिलाते हैं? नहीं 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 छोड़ दें बस इसको, अब छोड़ के जो आपने काम करना वो अपना काम करके आए तो ये इतने में इसी में पता चल जाएगा कि थोड़ा सा और चूल्हा जलाना है आपने या इसी में इसकी नीचे से लस्सी सारी वो हो गई। ये देखे ना ये अब घी आपका तैयार हो गया और वो लस्सी नीचे बैठना शुरू हो गई। ये देखें ये घी तैयार हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा आप जिस बर्तन में आप घी डालेंगे ना उस बर्तन, क्योंकि पहले भी वो घी वाला होता है तो काफ़ी दिनों से पड़े होते हैं, धो तो हम लेते हैं लेकिन फिर भी एक स्मेल होती है, तो इसको आप चूल्हे पे रख के ना हल्का सा आधा एक टीस्पून आधा जो है इसमें आटा डाल के ना तो थोड़ा सा इसको चूल्हे पे रख देंगे, जब वो आटा इसके अंदर हल्का हल्का, ये नहीं उसे कोयले की तरह करना, हल्का हल्का धुआं देने लगेगा और वो गोल्डन सा होने लगेगा ना तो चूल्हा बंद कर देना। फिर जब ये ठंडा होगा ना कपड़ा मार के इसको अंदर से साफ करके आटा सारा निकाल देना, ये साफ हो जाएगा, इसमें फिर कोई स्मेल नहीं होगी। और ये हम कर चुके हैं इसके साथ सब कर चुके हैं, ये अब बिल्कुल साफ सुथरा है, अब इसमें कोई पुराने उसकी स्मेल नहीं है, एकदम निकल जाएंगे ये अब साफ हो गए। अब ये ना दूध वाला पव्वा लेके ना ये देखिए नीचे सारा वो आटा बैठा हुआ है और ऊपर क्लियर बिल्कुल घी। इससे ज़्यादा अगर ये ब्राउन होगा ना तो फिर घी में जला हुआ टेस्ट आएगा। इसको ना इकट्ठा करके थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दूंगा, घी सारा एक साइड में जमा इसका रफेज जी।
घी बन गया है इसमें, अब इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और इसको आप जब तक इस्तेमाल करना चाहें। कोई इसकी एक्सपायरी होती है? नहीं, ऐसा जितना एक्सपायरी नहीं होती। गीला बहुत पुराना जब हो जाता है ना तो वो थोड़ा उसकी स्मेल टेस्ट चेंज हो जाता है, वरना ऐसा नहीं। और पानी वाला बीच में चम्मच चम्मच ना डालें। चलें, थैंक यू वेरी मच। ये थी आज की देसी घी की रेसिपी। आई होप यू एंजॉयड इट एंड लाइक्ड इट एंड ट्राई एंड लेट अस नो कि कैसा बना आपका। तकरीबन एक घंटा मेरे ख्याल में हमें टोटल टाइम लगा है। ये जब जम जाएगा ना तो फिर भी आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये घी तैयार हो के अब ये जम गया और इसको बहुत ही सॉफ्ट सा है, ये नहीं है पत्थर की तरह। ये इसको चम्मच से निकाल के ये देखें, ये दानेदार बिल्कुल ये घी बन गया और खुशबू बहुत अच्छी है, बेहतरीन।